तो आज मैं आया हूँ फतेहगढ़ साहिब और ये जगह फेमस है गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह के लिए। गुरु जी के दोनों छोटे बेटे और माता जी को मुगल के राजा वजीर खान बंदी बना लेते हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करने की धमकियां दी जाती है। जब बच्चे और माता जी इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हैं तो उन्हें रखा जाता है गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज में। बच्चों और माता जी को ठंड में यहाँ रखा जाता है बिना खाने पीने के। इस्लाम कबूल करने से जब वो इनकार कर देते हैं तो गुरु जी के दोनों छोटे बच्चों को दीवार पे जिंदा चुनवा दिया जाता है। ये है फतेहगढ़ साहब का गुरुद्वारा और जहाँ आप मत्था टेकते हैं उससे अगर आप नीचे जाएं तो आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री बोरा साहब और यही वो दीवार है जहाँ गुरुजी के दोनों बच्चों को जिंदा दफना दिया गया था। इन सब का दाह संस्कार करने के लिए सेठ टोडरमल आगे आते हैं। वजीर खान ने एक शर्त रखी कि वो उतनी ही जमीन दे पाएंगे जितने पे सेठ टोडरमल सोने के सिक्के से भर सके। सेठ टोडरमल इतनी ही जमीन इकट्ठा कर पाए जहाँ पे एक के ऊपर एक रख कर तीनों का दाह संस्कार हो पाए और इसे हम कहते हैं गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब।